सरकार ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक सुविधा के नाम पर लाख दावे पेश करे, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात ये है कि आमजन बुरी तरह से त्रस्त है। पता तब चला जब पेयजल समस्या को लेकर महिलाएं जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि खरगोन जिले के लोनारा ग्राम पंचायत की इंदिरा नगर कॉलोनी की महिलाओं ने पेयजल समस्या को लेकर मोर्चा खोला और समस्या निराकरण को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान महिलाओं ने बताया कि मंदिर का पुजारी कुएं के उपयोग से सिंचाई कर रहा है, जबकि कुआं पंचायत के अधीन होने के बावजूद हम कॉलोनी वासी प्यासे मर रहे हैं। बहरहाल समस्या निराकरण की बात पर ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासनिक स्तर पर कॉलोनी के लोगों को किस हद तक प्राथमिक सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत लुनेरा के इंदिरा नगर में जैसा कि आवेदन दिया है, इन्होंने बता रहे हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई कुआं खुदवाया गया, पास में कोई मंदिर है तो पुजारी ने उसको अपने अंडर में कर लिया। अब जब और इनको पीने के लिए पानी नहीं दे रहा है और वो अपने सिंचाई के उपयोग में कर रहा है। यदि ऐसा है और पंचायत का कुआ है तो उस पर हम तत्काल कार्रवाई करके उसको हटवाएंगे। मैंने एडिशनल CO जिला पंचायत से बात करी है, आवेदन पत्र हम भेजवा रहे हैं और उसकी जांच करवाएंगे। यदि ऐसा है तो हम उसको मुक्त करवा के ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध कराएंगे। समस्या लेके आए हैं। क्या समस्या क्या आ रही? समस्या हमारी ये है कि जो हमारा पेयजल है उस पे वो महाराज ठाकुर ने कब्जा कर लिया है और वो खेती पे सिंचाई कर रहा है और हमको पानी में पीने में, मतलब गांव में सिंचाई कर पानी पीने की तकलीफ आ रही है। इस वजह से कलेक्टर मैडम महोदय से हमारा आवेदन है कि उनका कब्जा हटाए और हमको वो कुआ पेयजल के स्तर से हमको दिला दे। बस हमारी ये समस्या। सरकारी कुआ है? हाँ, वो सरकारी कुआ है, 2012 में खुदाया हुआ था। उस टाइम हमको ज़रूरत नहीं थी, हम दूसरी जगह से पीते थे, वहाँ से हमको पानी नहीं मिलता है। हम 2 साल से परेशान हो रहे थे। अगले साल से हमने उस चीज़ की करी थी, अगले साल उन्होंने खेत में सिंचाई करी थी जब पर्याप्त तो पानी था। आज पर्याप्त तो पानी नहीं है, हमें पानी नहीं मिल रहा है। 3 रोज से हमारे यहाँ नल नहीं आ रहे हैं और हम बहुत परेशान हैं। आप लोग गए थे कुएं में पानी लेने? हाँ, पानी लेने वो कुएं पे, मतलब कुआं बहुत अंदर है, उससे कुछ किसी ने वहाँ से स्टार्टर भी हमारा काट दिया था, तो स्टार्टर भी निकाल दिया था। तो कल से हमारे यहाँ नल भी नहीं आ रहा है, परसों उधर भी नहीं आया। बस हमारे पास एकमात्र वो साधन है कुएं का। इस वजह से कलेक्टर मैडम से हमारा निवेदन है कि उस कुएं पे हमारा कब्जा करवा दे कि पेयजल के स्तर से हमको वो कुआं हमको दिला दे कि हमको पानी की समस्या नहीं। क्या नाम आपका? मेरा नाम फरजाना खान है। कहाँ से आए? लोनारा गांव से। सर, पानी की समस्या है कि सर पहले उस कुएं से पानी मिलता था हमें, तो मतलब कि वहाँ अभी स्टार्टर हमारा लगा हुआ था तो स्टार्टर वहाँ से निकाल लिया गया है, तो अभी 3 रोज से नल नहीं आ रहे, 2-3 रोज हो गए नल पानी नहीं आ रहा। तो हमें इसलिए कलेक्ट्रेट में आए थे कि हमको वहाँ का पेयजल का पानी मिले उस कुएं का, और वो हमको सुकृत करवा के दे, और बस यही इसलिए आ रहे। कुआ पंडित जी का निजी है क्या? नहीं, वो पेयजल का सरकारी कुआ है, 2012 में कब्जा कर रखा उन्होंने जी। अभी क्या करते हैं कुएं से? वो खेती कर रहे थे। क्या नाम आपका? संजय ठाकुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।